नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। बिहार के मधुबनी और नरकटियागंज में प्रखंड मुख्यालय पर राजद का एक दिवसीय धरना। नरकटियागंज में राजद द्वारा प्रखंड में एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना के माध्यम से सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून CAA, NRC तथा सांप्रदायिक दंगे, ध्वस्त कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, बदहाल स्वास्थ्य सेवा, महंगाई जैसे लूट खसोट को लेकर ज्ञापन वीडियो को सौंपा गया। वहीं इस धरना प्रदर्शन में नारेबाजी भी लगाई गई। पूरे देश भर में NRC एवं CAA को लेकर बवाल मची हुई है, जिसको लेकर हर शहर में लोग हंगामा व तोड़फोड़ एवं आगजनी कर रहे हैं। मधुबनी के बिस्फी प्रखंड मुख्यालय परिसर में राजद प्रखंड अध्यक्ष जयजयराम यादव की अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। NRC एवं CAA के खिलाफ राजद कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण धरना दिया। राजद के प्रखंड अध्यक्ष जयराम यादव ने कहा कि जब तक यह निकम्मी सरकार बिल वापस नहीं लेती है, तब तक धरना प्रदर्शन और संघर्ष जारी रहेगा और आने वाले समय में जनता मुंह पर जोरदार तमाचा मारेगी। वहीं मौके पर युवा समाजसेवी आरिफ जिलानी अंबर ने कहा कि देश अब जनता के हवाले नहीं, मोदी शाह के हवाले हो गया है। देश अब संविधान से नहीं, मोदी शाह के कानून से चल रहा है। तथा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के प्रति भाजपा सरकार पे जोरदार निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी और अमित शाह को लालू यादव से खतरा महसूस हो रही है, जिसमें एक उदाहरण पेश है कि झारखंड सरकार लालू प्रसाद यादव की बेल जमानत होने की कागार पर थी, लेकिन भाजपाई सरकार डर से जमात को आगे बढ़ाने पे लगे हैं। वहीं युवा प्रदेश प्रवक्ता राजेश रंजन ने कहा, अब देश के छात्र, युवा, प्रगतिशील लोग मोदी सरकार के इस काले कानून को खारिज कर दिए हैं। सरकार विकास के मुद्दों से भटकाकर जल जीवन हरियाली मानव श्रृंखला साथ निश्चय योजना, यह लूट खसोट योजना है, केलव कमीशन के लिए बनाई गई योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार केवल यह बिल लाकर गुमराह कर रही है। वहीं पूर्व उप प्रमुख मुहिउद्दीन ने कहा कि एक देश के नागरिकों ने काले अंग्रेजों से लड़ा था, अब मोदी शाह को देश से भगाने की जरूरत है और अब देश की जनता ने ठान लिया है कि जब काले अंग्रेजों से लड़े हैं तो अब मोदी शाह से लड़कर भी देश को आजाद कराया जाएगा। मोदी शाह की जुगलबंदी देश को फिर एक बार आंदोलन की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है, इसे जनता कामयाब नहीं होने देगी और जनता जवाब देगी। बिहार से राजेश कुमार की रिपोर्ट। प्रदर्शन कर रहे हैं आज पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी और बिहार के भावी मुख्यमंत्री नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव के निर्देश पर पूरे बिहार के प्रखंड मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना का आयोजन NRC, CAA और NPR के विरोध में पूरे एकदम ताकत के साथ हम लोग धरना दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, नीतीश कुमार जी का विरोध कर रहा है, यही कार्यक्रम चल रहा है। सरकार की क्या मोनोपोली है, क्या लगता है? सरकार का मोनोपोली तो देखिए रहा है कि लोगों को जो है ध्यान भटका करके, महंगाई से, बेरोजगारी से ध्यान भटका करके NRC CAA और NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर लोगों को ध्यान केंद्रित कर रहा है। सरकार को न प्याज पर ध्यान है, न बेरोजगारी पर ध्यान है, न किसान पर ध्यान है, न छात्र पर ध्यान है, न नौजवान पर ध्यान है। बिहार सरकार क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग यहाँ? हम लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ इस बिस्फी में प्रखंड में आकर, NPR CAA NRC सरकार वापस ले और ये जो बेरोजगारी बढ़ी है इस बेरोजगारी को दूर करे, इस काले कानून को वापस करे, संविधान को छेड़छाड़ करना बंद करे, यही हम लोग नौजवान का मनसा है, करना पड़ेगा सरकार। ये लगातार जो है धरना प्रदर्शन और आगजनी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हिल नहीं रही। सरकार हिलेगी क्यों नहीं, सरकार को मानना होगा। इसलिए इस देश की 90 करोड़ आवाम, कम से कम 90 करोड़ या 100 करोड़ कहे, ये आवाम विरोध कर रही है सरकार का। ये हिटलर शाही की सरकार है, ये अपने आप को हिटलर साबित करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान, 100 करोड़ लोग यहाँ अभी रोड पर है, जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के जगह जगह गली गली में जो है आप जो है मारा जा रहा है लोग जो है। मुजफ्फरपुर बालिका गिरी जैसा जघन्य अपराध के विरुद्ध में, बिहार सरकार के विरुद्ध में ये धरना दिया गया और मांग किया गया महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि संविधान के विरोध में लाया गया ये CAA NRC कानून को अविलंब वापस लिया जाए और दोनों तरफ से GDP गिर करके 8% से। सर, अगर जो है सरकार इस पर जो है अगर नहीं मानेगी आपको धरना से, तो क्या करेंगे आगे? आपको धरना नहीं मानेंगे तो हम लोग तो कहते हैं धरना पर चलते रहेंगे, विरोध काम करते रहे। सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार की जो नीति है इससे पूरा देश चल रहा, लेकिन सरकार इस पे एक्शन नहीं लड़ेगी, कुछ नहीं लड़ेगी। स्टूडेंट नहीं सुरक्षित है, न बालिका सुरक्षित है, न देश सुरक्षित है।